ऑनलाइन वीडियो क्लास में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास फाइव के साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स चल रहा है। इसमें आज हम लोग का टॉपिक है गेटिंग गुड यील्ड्स फ्रॉम क्रॉप्स। गेटिंग गुड यील्ड्स फ्रॉम क्रॉप्स बिसाइड द गेटिंग गुड यील्ड्स फ्रॉम क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि फसल से जो हम लोग खेती करते हैं अनाज चाहे तो किसी भी क्रॉप का अच्छा से अच्छा उत्पादन कैसे लिए इसी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लाइन है बिसाइड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस प्लांट आल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव द ग्रोथ एंड प्रॉफिट। क्लाइमेटिक कंडीशन के अलावा जैसा पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था वेदर सॉयल क्लाइमेट, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अलावा पौधों को पोषक तत्वों के रूप में मैन्योर्स और केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। इस मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन्स रासायनिक खाद और मैन्योर मीन्स हरा खाद से प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है, फसल का उत्पादन भी बढ़िया मिलता है। द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज नेसेसरी फॉर बेटर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। प्लांट का सही तरीके से विकास होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अच्छा से प्लांट का ग्रोथ होगा तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा सीरियल्स का, मतलब अनाज के दालों का, फसल का, फल भी अच्छा मिलेगा हम लोगों को, अब वेजिटेबल्स भी अच्छा उत्पादन होगा। तो अब इसमें मैन्योर क्या है, मैन्योर मीन्स हरा खाद। डेड एग्री कैन प्लांट्स एनिमल्स वेस्ट एंड काउ डंग आर कॉमन मैन्योर। जितना भी डेड प्लांट हो, डेड एनिमल हो, एनिमल का वेस्ट हो और काउ डंग जो गोबर आप जिसको कहते हैं यह सभी कॉम मैन्योर्स के अंतर्गत आते हैं, सब को हम लोग मैन्योर कहते हैं और इसकी सहायता से फसल की खेती अच्छी उत्पादन मिलती है। इसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक खाद, इसमें आता है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट्स एंड सुपर फॉस्फेट आर सम कॉमन केमिकल फर्टिलाइजर्स। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट्स एंड सुपर फॉस्फेट्स आर सम कॉमन केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये कुछ ऐसे हैं जो रासायनिक खाद हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए करते हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड आर द केमिकल दैट आर स्प्रेड ऑन द प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरियस इंसेक्ट एंड पेस्ट। फसल के उत्पादन के लिए हम लोग मैन्योर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, लेकिन बीमारियों से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए प्लांट्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। मुख्य तौर से डीडीटी और गैलेक्सी आप लोग देखे होंगे छिड़काव किया जाता है स्प्रे मशीन को लेकर के और ये लिक्विड बना दिया जाता है डीडीटी का गैलेक्सी का, उसको जब फलों और सब्जियों की खेती पर छिड़काव किया जाता है तो उससे कीड़े मकोड़े मरते भी हैं और उनसे फसल का बचाव भी होता है। ये सब क्रिया प्रक्रिया अपनाने से इन सभी प्रोसेस की सहायता से हम लोगों को अच्छा फसल का उत्पादन मिलता है। अब अगला टॉपिक है सर्टेन टिप्स फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप यील्ड्स आर एज फॉर। कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसकी सहायता से हम लोग को अच्छा फसल मिल सकता है। सबसे पहला, फर्स्ट यूज हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। बीज बोने के लिए अच्छे क्वालिटी का सीड का होना जरूरी है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब खेती करें एग्रीकल्चर पर जाए तो यूज हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। बोने के लिए हेल्दी क्वालिटी और हेल्दी होना चाहिए और बेटर क्वालिटी का सीड होना चाहिए। दूसरा, इरिगेट द प्लांट्स प्रॉपरली। प्लांट्स की सिंचाई सुचारू रूप से होनी चाहिए, नियमित तरीके से सिंचाई करना चाहिए। थर्ड, प्रिपेयर द लैंड बिफोर सोइंग। कभी भी बीज बोने से पहले
वह जमीन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। तैयार करने में प्लाउ और टेलिंग लेवलिंग ये सब प्रोसेस आता है। एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, सॉइल में फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों मिलाना चाहिए। मैन्योर में सारा खाद, फर्टिलाइजर में केमिकल फर्टिलाइजर। रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के साथ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, जैसे खरपतवार हो जाते हैं, तो वीड्स को हम खरपतवार हिंदी में कहते हैं। तो इस अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड को हमेशा रिमूव कर देना चाहिए। और लास्ट यूज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड टू कीप द प्लांट पेस्ट फ्री। हमेशा फसल पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, ताकि फसल पर, फसल के पौधों पर, क्रॉप प्लांट्स पर कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं हो, किसी बीमारी का अटैक नहीं हो। यह था हम लोग का ग्रोइंग प्लांट्स का गेटिंग गुड यील्ड्स फ्रॉम क्रॉप्स, अ सर्टेनिटी फॉर गुड एंड हेल्दी क्रॉप। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में पहुँचेंगे। तो चैप्टर आज आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपके पास बुक होगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, नहीं है तो फिर अगले क्लास में हम जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।